हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटा ब्यूटीज। आज के हमारे लेक्चर में हम रेक्टिफायर फिल्टर्स और टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, जैसे कि कैपेसिटर फिल्टर हो गया और इंडक्टर फिल्टर। फिल्टर्स क्या बहुत सारे किस्म है, लेकिन हम जो है सो ज्यादातर फोकस करेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर फिल्टर को, जो कि ज्यादातर यूज होते हैं। पहले आते हैं रेक्टिफायर फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या है, पहले हमने जब डिस्कस कर चुके हैं रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, हमने रेक्टिफायर के डिफरेंट टाइप्स भी पढ़े थे। उसके बाद आते हैं फिल्टर्स, रेक्टिफायर फिल्टर्स। अब जो इनपुट हमने दिया था, ये इनपुट हमने एसी सिग्नल जब हमने दिया था, उसके बाद जो आउटपुट आया था वो हमने जैसे कि देखा था कि उसमें पल्सेशंस थी, एसी कंपोनेंट्स भी थे डीसी कंपोनेंट्स के साथ। वो हमें लेकिन चाहिए होता है स्ट्रेट डीसी करंट, क्योंकि हमारे पास जो सो अगर पल्सेशंस होंगी तो हमारी डिवाइस के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है, उसे नुकसान दे सकती है हमारी डिवाइस। अब हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो था वो 1.21 था। 1.21 यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा थी, डिनोमिनेटर से एसी कंपोनेंट्स थे वो ज्यादा थे एज कम्पेयर टू डीसी कंपोनेंट्स। और उसके बाद हमारे पास था फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर था 0.48, उसके डीसी कंपोनेंट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसी कंपोनेंट्स। तो इसे आप जो है फिल्टर्स लगा के हम स्टेडी स्टेट करंट या रिस्पांस जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अब फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव को तो आप रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें एसी कंपोनेंट्स ज्यादा है। अगर हम उससे कर भी ले तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो इतना ज्यादा नहीं आएगा एज कम्पेयर टू हम जितना इनपुट दे रहे हैं, यानी कि एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। जिस तरह हाफ वेव की एफिशिएंसी थी 40.6%, तो 40.6% बहुत कम है एज कम्पेयर टू इनपुट सिग्नल। तो इसलिए हम जो है सो फुल वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे डीसी कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब फुल वेव रेक्टिफायर के बाद हमने जिस तरह यहाँ से हम दे एसी कंपोनेंट्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, और उसके बाद यहाँ पे रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर्स के बाद यहाँ पे होता है ये फिल्टर्स। यहाँ पे हम फिल्टर्स इंप्लीमेंट करते हैं, और फिल्टर्स के बाद जो हमारे पास एक और यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को हमारे पास स्टेडी वोल्टेज जनरेट करने के लिए। वो वोल्टेज रेगुलेटर्स को आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम फोकस करते हैं फिल्टर्स के ऊपर। फिल्टर्स जो है सो सेंड करते हैं प्योर डीसी या स्टेडी स्टेट डीसी करंट लोड को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब मोस्टली जो हम यूज करेंगे वो कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स यूज करेंगे। तो आप आता है टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। अब फिल्टर्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो फिल्टर्स में हमारे पास पहले आता है कैपेसिटर फिल्टर, जिसमें हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं, और इंडक्टर फिल्टर में इंडक्टर। चोक इनपुट फिल्टर जो है उसमें आप सीरीज में रखते हैं इंडक्टर और पैरेलल में रखते हैं कैपेसिटर। उसके बाद हमारे पास पाई फिल्टर है, पाई फिल्टर में हम इंडक्टर से पहले भी एक पैरेलल में कैपेसिटर यूज कर रहे होते हैं, और उस इंडक्टर के बाद भी एक कैपेसिटर यूज करते हैं। और टी फिल्टर में जो है सो हम दो सीरीज में लगाते हैं फिल्टर इंडक्टर्स, और एक जो है सो कैपेसिटर यूज करते हैं इन बिटवीन इंडक्टर्स पैरेलल में। उसके बाद होता है कैपेसिटर फिल्टर। आप कैपेसिटर फिल्टर में आप क्या करते हैं, कैपेसिटर फिल्टर को हम यूज करते हैं पैरेलल में विद रेस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टर। अब कैपेसिटर को पैरेलल में क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है वो इक्वल है एच सी इज इक्वल टू 1/ωC। अब यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 2π इन टू फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल्स, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अपॉन में जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो सो एफ हमारे पास जीरो हो जाता है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस रिएक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए कैपेसिटर वर्क एज ओपन सर्किट फॉर डीसी, डीसी के लिए। इसलिए हमारे पास ये एज ओपन सर्किट काम करता है और डीसी को फ्लो करवाने नहीं देता, एसी कंपोनेंट्स जो है वो फ्लो कर जाते हैं कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स हम सीरीज में क्यों यूज करते हैं या पैरेलल में क्यों यूज नहीं करते। अब क्योंकि अगर आप इसको सीरीज में यूज करेंगे तो सीरीज में हमने जिस तरह पीछे डिस्कस किया कि एसी कंपोनेंट्स को फ्लो करवाता है और डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है। एसी कंपोनेंट्स फ्लो होकर लोड के पास चली जाती है और डीसी कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जाएगी या डीसी कंपोनेंट्स को अपने पास स्टोर कर लेता है, इसलिए अब इसे यूज नहीं कर सकते सीरीज में, क्योंकि सीरीज में यूज करेंगे तो हमारे पास डीसी कंपोनेंट जो है वो आउटपुट में शो नहीं हो रहा हो। अब इसलिए हम इसे यूज करते हैं पैरेलल में। आप पैरेलल में यूज करते हो तो एसी कंपोनेंट्स यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे ग्राउंड हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, और इसी कंपोनेंट्स को ये स्टोर करता रहता है अपने पास। और जब हमारे पास जो VM है पीक वैल्यू यहाँ से जब आ रही होती है, अब पीक वैल्यू जब तक मैक्सिमम है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू VC, यानी कि वोल्ट कैपेसिटर्स के पास जो वोल्टेज स्टोर हो रहे हैं उससे ज़्यादा है VF, तो VM कैपेसिटर स्टोर करता रहेगा। जब VM कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू VC, तो कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होना शुरू होगा और यहाँ पे लोड पे हमारे पास डीसी कंपोनेंट शो हो रहे होंगे। अब VM अगर ज़्यादा है तो चार्ज हो रहा होगा, अगर VM जो है सो पीक वैल्यू जो हमारे पास आ रही है डीसी पल्सेशन
के साथ आ रही है जो पीक वैल्यू रेक्टिफायर के बाद, अब वो अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी सी तो वो चार्ज होगा कैपेसिटर, और जैसे ही वो कम होना शुरू होगा, जिस तरह यहाँ पे देखें अगर ये यहाँ से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैपेसिटर हमारे पास क्या होगा, चार्ज होता रहेगा, और यहाँ पे हो गया पीक पे तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद वीएम जैसे ही डिक्रीज करना शुरू करेगा तो हमारे पास वीसी बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वीसी ग्रेटर देन हो जाएगा वीएम। जब वीसी ग्रेटर देन हो जाएगा वीएम के तो हमारे पास जो है सो वोल्टेज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वोल्टेज फ्लो होने शुरू हो जाएंगे लोड के पास, तो लोड के पास इस तरह वोल्टेज स्टेडी वोल्टेज मिल रहा होगा, जबकि जब तक ये यहाँ से ज़ीरो होके फिर से पीक पे नहीं जाता। तो यहाँ पे जैसे ही वीएम आ जाएगा फिर से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, और उसी तरह चार्ज होता रहेगा यहाँ तक, और उसके बाद फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर यहाँ से फिर चार्ज होगा और डिस्चार्ज, इसी तरह हमारे पास जो स्टेडी करंट्स फ्लो होते रहेंगे लोड रेजिस्टेंस के पास। कैपेसिटर रिएक्टेंस मिनिमम है एज कम्पेयर टू लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है हमारे पास। अगर जो है सो कैपेसिटर रिएक्टेंस लेस नहीं है लोड से, तो एसी करंट जो है सो वो पास नहीं करेगा थ्रू द कैपेसिटर, और करंट फ्लो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ से हो रहा होता है, तो हमारे पास एक्ससी जो है सो अगर कम जो है सो बढ़ जाएगा लोड रेजिस्टेंस से, तो एसी कंपोनेंट्स कैपेसिटर से फ्लो नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वजह से हमारे पास एसी कंपोनेंट्स फ्लो होते रहते हैं कैपेसिटर से और वो ग्राउंड होते रहते हैं। हमारा जो कैपेसिटर है वो की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है हमारे आरसी सर्किट का वो कांस्टेंट होता है। आरसी हमारे पास आरएल लोड रेजिस्टर होता है और सी कैपेसिटर लगा होता है, तो आरसी का कांस्टेंट डीसी वोल्टेज के लिए हमें ज़्यादा कैपेसिटर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और दूसरी जो है सो वैल्यू वो है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमेशा कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू आर एल, लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा आर एल के पास, क्योंकि वो जो है सो जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होती है करंट वो पाथ चूज करता है और उस पाथ से फ्लो करना शुरू। उसके बाद आता है इंडक्टर। इंडक्टर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि ये जो है सो जब करंट चेंज हो रहा होता है तो उसकी वजह से बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसकी वजह से क्योंकि बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो वो बैक ईएमएफ जो है वो प्रिवेंट करता है करंट को चेंज होने से। अब जो है सो ये बैक ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था वो चेंज को प्रिवेंट करता है, जैसा कि हमने पढ़ा था पराडेला ने भी इस तरह कहा था कि हमारे पास अगर एक इंडक्टर हो जो कोइल्स जिसे हम कहते हैं, वो कोइल्स के थ्रू अगर हम मैग्नेट्स फ्लो करवाएं, मैग्नेट्स को आगे पीछे करें, तो उससे उस चेंज की वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस प्रिवेंट करेगा करंट को चेंज होने से, उस करंट को चेंज जिस तरह करंट की अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा होता है। तो इंडक्टर इसी तरह है। अगर हम देखें अब इंडक्टर को हम लगाते हैं सीरीज में, पैरेलल में क्यों नहीं लगाते? अब सीरीज में इसलिए लगाते हैं कि इसकी जो कैपेसिटर रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो होती है 2πfL। अब फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ज़ीरो होती है डीसी के लिए, तो हमारे पास इंडक्टेंस है वो ज़ीरो होता है सीरीज में, इसलिए हमेशा हम इसे सीरीज में यूज़ करते हैं। एसी के लिए ज़ीरो रेजिस्टेंस, ये जो है सो डीसी वोल्टेजेस के लिए रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता। अब डीसी वोल्टेजेस के लिए रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता, इसका मतलब है कि ये जो है सो सिर्फ डीसी कंपोनेंट्स को फ्लो करने देता है और एसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है, इसलिए जो है सो हम इसे सीरीज में लगाते हैं। और जिस तरह हमने पीछे भी देखा था पाइप फिल्टर या टी फिल्टर में, तो एक इंडक्टर जो है सो वो हम लगाते हैं कैपेसिटर से पहले, ताकि वो डीसी एसी कंपोनेंट्स को फ्लो करने से रोके। अब एसी कंपोनेंट्स जो रुक गए वो तो वहाँ पे रुक गए, अब डीसी कंपोनेंट्स फर्दर जो आ रहे होते हैं पैरेलल में हमारे पास कैपेसिटर के पास, तो कैपेसिटर में जो बकाया थोड़ी सी पल्सेशन रह जाती है वो भी यहाँ पे कैपेसिटर पे जो है सो वो ख़त्म हो जाती है, और हमारे पास प्योर डीसी आ रहा होता है लोड रेजिस्टेंस के। यहाँ पे जो है सो इंडक्टर रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए लोड रेजिस्टेंस से। अब इंडक्टर रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तब जो है सो हमारे पास डीसी कंपोनेंट्स जो है सो या डीसी वोल्टेज फ्लो करेगा लोड रेजिस्टेंस के पास। अगर ज़्यादा नहीं होगा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर कम होगा एज़ कम्पेयर टू लोड रेजिस्टेंस, तो डीसी कंपोनेंट्स फ्लो नहीं करेंगे, जिस तरह हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि हमारे पास वो जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होती है करंट उस पाथ को फॉलो करता है और उसी पाथ से फ्लो कर रहा होता है। इसमें भी आउटपुट इसी तरह आ रही होती है कि हमारे पास एसी कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं तो सिर्फ डीसी कंपोनेंट्स जो है सो वो फ्लो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है सो आप देखें तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पल्सेशंस है,
अगर हम या फिर टी फिल्टर या पाइप फिल्टर यूज करेंगे तो वहाँ पे जो है सो कैपेसिटर इन पल्सेशंस को फर्दर स्मूथ कर देगा और हमारे पास इस तरह बिल्कुल स्मूथ स्टेडी स्टेट वोल्टेजेस फ्लो कर रहे होंगे लोड रेजिस्टेंस के बाद।